passenger for our kind intentions is train number 16514 Karwar to Bangalore. तो आप सबको पता ही होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है कल, जिसको मैंने डाउनलोड भी करके रखा हुआ है। तो मैं इसको देखने वाला हूँ, नहीं अभी नहीं, मैं इसको छोटे स्क्रीन पे नहीं देखना चाहता। मुझे इसको ना इसको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखना है, मुझे इसको अपने घर के टीवी पे देखना है जो एटलीस्ट 42 इंच की तो है, जहाँ पे मेरा भाई खुद मेरा वेट कर रहा है, जहाँ पे हम साथ में बैठ के देखने वाले, क्योंकि यार गेम ऑफ थ्रोन्स का फिनाले सीजन है यार, मजाक थोड़ी ना यार, अकेला थोड़ी बैठ के हिलाऊंगा। सो लेट्स गो टू गोवा देन। 3, 2, 1 तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं कारवार रेलवे स्टेशन पे, जहां पे मुझे और एक ट्रेन मिलने वाली है जो है डेमो जैसी कुछ ट्रेन है जो जाने वाली है कारवार से सीधा थीविम। तो थीविम से मैं सीधा जाने वाला हूं अपने मेन घर जो है मापसा में, और ट्रेन अभी तक आई नहीं है, तो तब तक मैं तुमको क्यों ना कारवार का स्टेशन ही दिखा दूँ। कारवार से बेंगलुरु सिटी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 1-6-5-1-4 बेंगलुरु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 से खड़ी है। अच्छा मैं एडवांटेज बताऊँ, अगर तुम कहीं अकेले भी रहते हो ना, तुम कहीं अकेले फील नहीं कर रहे, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी ऑडियंस होती है, और भले ही तुम किसी क्राउडेड एरिया में भी रहोगे ना, तुम्हारे तो कोई नहीं रहता ना, तो भाई तुमको अकेले जैसे फील नहीं होएगा, मतलब तुम्हारे पास कुछ तो होता है करने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे 2 घंटा बैठ के फुल ब्लॉग करने वाला हूँ, मुझे लगता है मुझे मूवी देख लेनी चाहिए कुछ तो भी। सो फाइनली वी आर एट द मडगांव रेलवे स्टेशन, लेकिन ये हमारा डेस्टिनी नहीं है, हमको और आगे जाना है इसी ट्रेन से। लेकिन बात ये है ना कि मेरे फ़ोन के लैपटॉप के दोनों की चार्जिंग ख़त्म हो रही है, सो मुझे वो चार्ज करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे सॉकेट ढूंढना पड़ेगा, और ये ट्रेन आधे घंटा यहाँ इधर ही रुकने वाली है, तो वहाँ उतना तक मेरा फ़ोन तो सर्वाइव करने वाला नहीं है। तो लेट्स सी। इट्स बिन 4 आवर्स आई एम बिन ट्रेवलिंग, और ये ट्रेन कितनी ज़्यादा स्लो है। आखिर क्यों यार इतना स्लो क्यों चलाते हो यार, गवर्नमेंट ठीक से पैसा नहीं देती है क्या आपको? क्या यार इतना पहुँच नहीं रहे यार, एंड आई होप आपके ब्लॉग भी ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ फिलहाल। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, और वहाँ पर भाई लोग घंटी आएगी ना बजा दो उसको भी, और लगे हाथ तो यार लाइक भी कर दो यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ सब्सक्राइबर्स बढ़ने की जगह जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी अनसब्सक्राइब कर देते, तो भाई ऐसा मत करो यार, 1000 के बहुत करीब है हम लोग, करवा दो यार। तो फाइनली मैं आ गया हूँ थीवी में। अब बड़गांव में हुआ कुछ ये था कि जिस प्लेटफॉर्म में मेरी ट्रेन रुकी थी
वहाँ पे सॉकेट ही नहीं था और ट्रेन वहाँ पे हार्डली 15 या 20 मिनट रुकी थी, तो मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया था। तो सीधा मिलता हूँ आपसे घर जाके, क्योंकि यार फ़ोन मेरा ऑलमोस्ट डेड है और मैं फ़ोन पे व्लॉगिंग करता हूँ। यार ये पब्लिक में व्लॉगिंग करना कितना ऑकवर्ड लगता है यार, पता नहीं लोग कैसे व्लॉग कर लेते हैं यहाँ पे। सो फाइनली आई एम होम, तो देखेंगे क्या रिएक्शन आता है। गेम ऑफ थ्रोन्स देखेगा? तेरे जात का अंडा मारू। देखा तूने पूरा? देखा? देख रहा हूँ, स्टार्ट किया है। देखेगा साथ में? तो अभी स्टार्ट किया है ना? हाँ। चल फिर रुक रुक, मैं नहा धो के आता हूँ, रुक एक सेकंड। मतलब यहाँ पे अपनी ही नैया में विश्वासघात हो रहा है, तो मैं फटाफट नहा धो के आता हूँ एंड विल सी टुगेदर। अब यहाँ पे मैटर कुछ ऐसा हुआ है, ये हमारी इतनी बड़ी टीवी है ना, आज काम ही नहीं कर रही है, तीन से ख़राब पड़ी है, मुझे पता भी नहीं था इस बात का। मतलब मेरी जितनी भी जर्नी थी ना पूरी ऐसे पानी में फिर गई है, तो मुझे घूम फिर के अभी मुझे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, तो रिएक्शन होने वाला है लैपटॉप स्क्रीन पे ही। तो फाइनली एपिसोड ख़त्म हो चुका है, मेरा भाई जाके सो गया है फिलहाल, और लाइक मुझे भी वीडियो एंड करनी है। सो स्पॉइलर कुछ नहीं देना है मेरे को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सस्पेंस है, तो मुझे स्पॉइलर किसी का भी नहीं देना है। तुम भी किसी को स्पॉइलर मत दो अगर तुमने देखा है तो एपिसोड। सो आई होप विद दिस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू नो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो यार, सबको दिखाओ कि भाई दिखाओ क्या कर रहा है तुम्हारा। चलो यार चलते, नींद आ रही है यार, कल सुबह मुझे राजस्थान के लिए निकलना है। बाय। और राजस्थान का व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है।